इधर आ। यहाँ साइकिल क्यों पार्क की है? मैडम हम इसी कॉलोनी में काम करते हैं तो हमने यहाँ पे लगा दी। ये साइकिल पार्क करने की जगह है? बाकी लोगों ने भी तो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई हुई हैं। तुम्हें अगर यहाँ पे पार्क करनी है ना तो गाड़ी खरीद लो, या साइकिल वाइकिल नहीं खड़ी होगी। पर मैडम ड्राइवर, ये लेबर को भगाओ यहाँ से। जी मैडम। क्या रे, तेरे इस खटारे को मैं लेके जाऊंगा, निकल यहाँ से। निकाल रहा हूँ साहब, निकाल रहा हूँ। साइकिल किसी ने पंचर कर दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ अपनी साइकिल मत लगा, कर दी ना पंचर। पर साहब जहाँ आपने मना किया था वहाँ तो मैंने लगा ही नहीं साहब। सुन, मैडम ने तेरे को यहाँ के लिए नहीं, इस पूरे कंपाउंड में लगाने से मना किया था। साहब मैं कहाँ जाऊँगा इस साइकिल को लेकर? इस कॉलोनी के बाहर। साहब वो 1 किलोमीटर दूर पड़ता है साहब। सुन, ये सब ना मेरी सिरदर्दी नहीं है, ये अमीरों का एरिया है और उन्हीं की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, समझा? अपनी इस खटारे को उठा और निकल। पर साहब अब साइकिल लगाने से मना कर दिया तो तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिए। नहीं मैडम, मैं तो अभी अभी आया हूँ मैडम। तेरे जैसे लोग ना ऐसे नहीं मानते हैं। ड्राइवर तोड़ इसकी साइकिल। नहीं नहीं, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बस 10 मिनट, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। इस जाम को भी आज ही लगना था। ड्राइवर कितनी देर और? मैडम मैडम बस थोड़ी देर और मैडम, बस जाम खुलते निकालता हूं। मैडम मैडम कोई मदद चाहिए? अरे जाओ ना तुम यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी बहन को कभी भी बेबी हो सकता है। 2 घंटे से जाम में फंसी हुई हूँ। मैडम ये जाम तो बहुत लंबा लगा हुआ है और ये तो बहुत देर में खुलेगा, और आपकी बहन की तबीयत तो बहुत ज्यादा ही बिगड़ रही है। मैडम आप एक काम कीजिए, आप इनको मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इनको साइकिल पे बिठा के फुटपाथ से ले जाऊंगा। क्या पागल हो क्या तुम? मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेज दूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैडम देख लीजिए, इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। ठीक है। Congratulations, she had a baby girl. Thank you so much, doctor. I hope she is all right. हाँ, वो दोनों बिल्कुल perfect हैं। मैंने सुना आप उनको cycle पे लेकर आए? Actually, doctor, traffic बहुत ज़्यादा था। आपने बहुत अच्छा किया। Otherwise, complications बहुत बढ़ सकती थी। Actually, doctor, वो किसी भले इंसान ने हमारी मदद कर दी। अच्छा, तो क्या आप उनको जानते थे या किसी ने randomly help करी? Doctor, वो हमारी colony में काम करते हैं। Okay. तो आई थिंक आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। एक्चुअली वो मैंने ना थोड़े टाइम पहले ही गुस्से में उनकी साइकिल तोड़वा दी थी। एंड उसके बाद भी उन्होंने आपकी इतनी बड़ी हेल्प करी? आई थिंक यू आर राइट, मुझे उनको अपोलोजाइज करना चाहिए एंड थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो किसका इंतज़ार है, अभी भी देर नहीं।
मुझे ना आपसे माफ़ी मांगनी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन बहन और बच्चा तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप नहीं होते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया फिर भी आपने मेरी फैमिली की मदद करी। वो मैडम हमें बचपन से ऐसे सिखाया गया है कि अगर दुश्मन को भी मदद की ज़रूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना। मुझे माफ़ कर दो भैया, आप कॉलोनी में फिर से वापस काम करने आ जाओ, इस बार ना आपको कोई भगाएगा और ना आपकी कोई साइकिल तोड़ेगा। ठीक है मैडम, हम आ जाएंगे, लेकिन अभी आपको जाना चाहिए ना, आपको बच्चे का ख्याल रखना है। हाँ जी, थैंक यू एंड आई एम सॉरी। आई हो सके तो मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग विद आवर ओन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड ईगोस, बट पीपल हु आर अवेलेबल इन नीड आर द रियल ह्यूमंस। ट्राई टू बिकम दैट। That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.